आज है हमारे पास डीजो वायरलेस पावर नेक बैंड इसका लॉन्च प्राइस है सिर्फ ट्रिपल नाइन रुपीज हो सकता है थोड़े दिनों बाद इसकी प्राइसिंग थोड़े बहुत बढ़ जाए यार इसमें आपको बहुत सारे बिल्कुल लेटेस्ट फीचर्स मिलने वाले हैं हम सर एक्सैक्टली चेक करेंगे वीडियो में प्रॉपर तरीके से करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी चेक साउंड क्वालिटी बेस क्वालिटी कॉल क्वालिटी और गेमिंग एक्सपीरियंस और एंड तक पॉजिटिव पॉजिटिव हम डिसाइड करेंगे कि इतने कम प्राइसिंग में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया है कि नहीं सो होप यू लाइक दिस वन एंड इफ यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल हिट द लाइक बटन कमेंट शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड शॉप फॉर यू ऑल सो लेट्स गेट स्टार्ट इट सो so, यहाँ पे आपको डीजो वायरलेस पार नेकबैंड बाय रियलमी टेक लाइफ का ऐसा बॉक्स आपको डिसेंट सा मिल जाएगा साइड में काफी स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए गए हम आगे सब डिटेलिंग में प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा सबसे पहले एक यूजर इसमें आपको पूरी प्रॉपर डिटेलिंग मिल जाएगी एंड साथ ही में इसमें आपको रियलमी लिंक एप्लीकेशन का सपोर्ट भी मिल जाएगा कैसे वर्क करता है हम आगे चेक करेंगे आपको मिलेगा पे एक टाइप सी का चार्जिंग केबल एंड सम एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स यू कैन यूज इट अकॉर्डिंगली बढ़ते हैं मेन प्रोडक्ट की तरफ दिस इज अ नेक बैंड यू विल बी गेटिंग एंड जो लुक एंड फील दिया गया है काफी आपको फ्लेक्सिबल नेक बैंड दिया गया है यहाँ पे एंड यहाँ पे जो क्वालिटी है रबर की बिल्कुल फ्लेक्सिबल तरीके से इसको हम यूज़ कर पाएंगे ऐसे कोई दिक्कत नहीं लग रही है एंड यहाँ पे देखेंगे तो जो आपको टेक्सचर मटेरियल यूज किया गया है थोड़ा बहुत यूनिक डिजाइन का आपको लुक एंड फील प्रोवाइड कर रहा है अट्रैक्टिव लग रहा है एंड यहाँ पे आपको मल्टीफोन बटन मिल जाएंगे तीन प्लस माइनस का बटन मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको मेन बटन मिल जाएगा एक्जैक्टली exactly कैसे वर्क करते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे दूसरे साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ डीजो की ब्रांडिंग मिल जाएगी ऐसे कोई डेडिकेटेड बटन प्रोवाइड नहीं किया गया है लेफ्ट राइट साफ साफ मेंशन किया गया है दोनों ही साइड पर एंड थोड़ा डिजाइन अच्छा दिया गया है मार्केट के हिसाब से एंड वायर्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको ना बिल्कुल प्रॉपर अच्छी क्वालिटी की वायर्स मिल जाएंगी वायर्स को लेकर सिर्फ कोई दिक्कत नहीं लग रही है एंड बर्ड्स की बात करेंगे बर्ड्स आपको ऐसे लुक एंड फील के प्रॉपर अच्छा प्रीमियम लुक एंड फील प्रोवाइड कर रहे हैं ग्लॉसीनेस दी गई इसके मैग्नेटिक एरिया में एंड यहां पे आपको ऑन ऑफ का ऑप्शन भी मिल जाएगा वो भी एक प्लस पॉइंट है प्राइस पॉइंट के हिसाब से सिंपली आपका कनेक्शन स्टेबलिश हो चुका है मैग्नेट्स को बाहर निकाल देंगे तो ऑटोमेटिकली लास्ट पेड डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे कनेक्शन ऑलरेडी हो चुका है एंड जो मैगनेट्स उनका वापस लगा देंगे तो डिस्कनेक्शन हो जाएगा तुरंत सो so, ऐसे इसका मैनेटिंग ऑन ऑफ फीचर अच्छे तरीके से वर्क करता है अगर आप नेकबैंड को प्रॉपर तरीके से नेक पे लगाएंगे तो यार काफ़ी लाइट वेट नेकबैंड भी दिया गया है कानों में सिक्योर तरीके से प्रॉपर ईयर कप्स लगाएंगे तो उसमें आपको अच्छा सिक्योर फिट मिल जाएगा बहुत ज्यादा बिल्कुल परफेक्ट सिक्योर फिट नहीं बोल पाएंगे हो सकता हैवी वर्कआउट के टाइम कभी कभी स्लिप होने के चांसेस हो लेकिन लुक एंड फील और नेकबैंड काफी आपको लाइट वेट मिल जाएगा एंड बात करेंगे एप्लीकेशन की यहाँ पे आपको रियलमी एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाएगा पेयरिंग पे जाकर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डीजो वायरलेस पावर का एंड यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है आप देख सकते हैं कनेक्शन के बाद यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज भी दिखा देगा एप्लीकेशन में ही एंड यहाँ पे आपको बेस बूस्टेड मोड बैलेंस मोड ब्राइट मोड मिल जाएगा वॉल्यूम एहैसर का ऑप्शन मिल जाएगा कैसे एक्जैक्टली exactly वर्क करते हैं मैं आपको आगे सब बताऊंगा एंड डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको ऑटो आंसर का भी ऑप्शन मिल जाएगा मैनेट ऑन ऑफ के थ्रू आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर आपको चाहिए ऑटो आंसर का ऑप्शन तो एंड बटन सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे जो मेन बटन दिया गया है प्लस माइनस के अलावा उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि उसके सिंगल टैप से क्या हो डबल प्रेस से क्या हो ट्रिपल प्रेस से क्या हो तो यहाँ पे आप कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा सो so ये भी एक प्लस पॉइंट है एप्लीकेशन के थ्रू आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि वॉइस असिस्टेंट फीचर किससे एक्टिवेट हो डेडिकेट गेमिंग मोड किससे ऑन हो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं एप्लीकेशन काफी यूजफुल दी गई है स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे इसमें आपको मिलेगा लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.2 टेक्नोलॉजी IPX4 वाटर एंड स्वेट रजिस्ट्रेन फीचर 11.2 पॉइंट के बेस बूस्टेड ड्राइवर्स Realme लिंक एप्लीकेशन का सपोर्ट मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर डेडिकेटेड गेमिंग मोड जिसमें आपको 88 एट मिली सेकंड स्लो लेटेंसी गेमिंग भी मिल जाएगी एंड इसमें आपको अप्रोक्सीमेली एटीन अर्सक का प्ले टाइम मिलेगा ऑन सिंगल चार्ज अगर आप म्यूजिक को फिफ्टी और सिक्सटी परसेंट वॉल्यूम पर सुनते हैं तो फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है दस मिनट के चार्जिंग में आपको अप्रॉक्सिमेटली टू आवर्स का प्ले टाइम मिल जाएगा विद दिस वायरलेस नेक बैंड यार मुझे लगता नहीं है कि मार्केट में इस टाइम पे पर्टिकुलरली इतने कम प्राइसिंग में आपको इतने सारे प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस और एप्लीकेशन का सपोर्ट कोई दूसरा ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है यार डिजो ने ना बिल्कुल एक मुझे दिल खुश करने वाली फीलिंग दे दी है कि जो लुक एंड फील दिया गया है बिल्कुल जस्टिफाई करता है बिल्कुल अच्छा बिल्कुल आपको प्रीमियम लुक एंड फील के नेकबैंड भी मिल जाएंगे स्पेसिफिकेशन पार्ट को लेकर एप्लीकेशन सपोर्ट को लेकर मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं लगी बात करेंगे इसे गेमिंग एक्सपीरियंस की अब हम एक करेंगे गेमिंग टेस्ट बीजेम का गेम मोड ऑन करके फिर हम डिसाइड करेंगे एक्जेक्टली इसका गेम एक्सपीरियंस कैसे मिलने वाला है कंपनी क्लेम करती है कि आपको 88 एट मिली सेकंड आपको लो लेटेंसी मिलने वाली है पर्सनली मुझे न, उससे भी कम लेटेंसी लगी, मुझे ऐसे नहीं हो रहा था और जो लेफ्ट -right का सेपरेशन है, से है और अगर आप डेडिकेटेडली हार्ड गेमर है अगर आप घंटों तक गेम्स खेलते हैं एक नेकबैंड कंसिडर करना चाहते हैं इसको आप डेफिनेटली परफेक्ट गेमिंग के ऑप्शन में रख सकते हैं बात करेंगे आप मेन दैट अ साउंड क्वालिटी बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की लेकिन यहां तक आप पहुंच चुके हो लाइक करना भूल गए थैंक यू बात करेंगे इसके म्यूजिक एक्सपीरियंस बेस एक्सपीरियंस और कॉलिंग एक्सपीरियंस की इसमें आपको 11.2 पॉइंट mm के बेस बोस्टेड ड्राइवर्स मिलेंगे यार देखा जाए ड्राइवर साइज भी काफी तक आपको बढ़िया दिया गया है। एनहेंस फुल वॉल्यूम पे आप डेफिनेटली सुन सकते हैं लाउडनेस भी आपको अच्छी मिल जाएगी और जो क्लैरिटी है बिल्कुल आपको डिस्टॉर्डेड आवाज फील नहीं होगी फुल वॉल्यूम पे भी और जो मेनली इसके अलग अलग मोड्स दिए गए हैं एप्लीकेशन में इसमें आपको बैलेंस मोड मिल जाएगा ब्राइट मोड मिल जाएगा और बेस बूस्टेड मोड मिल जाएगा तीनों सही तरीके से वर्क करते हैं अगर आप बैलेंस मोड में म्यूजिक सुनेंगे तो ना मुझे पर्सनली बैलेंस मोड में काफी तक एनहैस म्यूजिक एक्सपीरियंस लगा जो ट्रेबल्स और बेस है बिल्कुल आपको बैलेंस मिलेंगे जो वोकल सी क्लैरिटी है जो इंस्ट्रूमेंट का सेपरेशन है बिल्कुल आपको सही तरीके से पता चल जाएगा ओवरऑल बेस्ट म्यूजिक एक्सपीरियंस आप ले पाएंगे बैलेंस मोड में और बेस बूस्टेड मोड में आपको थोड़ा बहुत जो बेस है थोड़ा बहुत पावरफुल आपको एक्स्ट्रा बेस इफेक्ट्स आएंगे तो वोकल से थोड़े सरप्रेस हो जाएंगे एंड अगर आप ब्राइट में सुनेंगे ब्राइट जो ऑप्शन दिया गया है उसमें जो वोकल सी क्लैरिटी और इंस्ट्रूमेंट का सेपरेशन उभर के आएगा और जो बेस है थोड़ा बहुत आपको कम मिलेगा सो जो सारे के सारे मोड्स अच्छे तरीके से वर्क करते हैं पर्सनली अगर आप बैलेंस मोड में म्यूजिक सुनेंगे तो आपको काफी तक एनहेंस म्यूजिक एक्सपीरियंस मिल जाएगा जो कि यार बिल्कुल जस्टिफाइड लगता है इसको डेफिनेटली अच्छे म्यूजिक एक्सपीरियंस के लिए अगर आप बिल्कुल प्योर म्यूजिक लवर है कम प्राइसिंग में एक नैकबैंड कसिडर करना चाहते हैं फॉर गुड म्यूजिक एंड पावरफुल बेस इसको आप डेफिनेटली ऑप्शन में रख सकते हैं बात करेंगे कॉलिंग की मैंने एक फ्रेंड से कॉलिंग की थी आउटर कंडीशन में उसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली वो आप सुन लीजिए ताकि आपको अंदाजा लग जाएगा एक्जेक्टली इससे आपको कॉल आउटपुट कैसे मिलने वाला है

कॉल रिकॉर्डिंग सुन के आपको नजर लग सकता है एक्जेक्टली इससे कॉल आउटपुट कैसे मिलने वाला है यार सामने वाले को मेरी आवाज बिल्कुल फोकस ही सुनाई दे रही थी 80 से 90 परसेंट हवा की आवाज थोड़ी बहुत बैकग्राउंड की एक्टिविटीज को पता चल रही थी जब मैं टेरिस पे खड़ा हुआ था इसको आप डेफिनेटली अच्छी कॉलिंग के लिए आप इंटर ऑटो कंडीशन में अगर आप कॉलिंग करते हैं ज्यादा हैवी ट्रैफिक में है तो सामने वाले आपको सत्तर सुन पाएगा तीस उसको बैकग्राउंड आ सकती है लेकिन फिर भी कॉलिंग इसमें आपको काफी हद तक एनहेंस और परफेक्ट मिल जाएगी अब हम करेंगे रेटिंग साउंड क्वालिटी बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी को सर मैं साउंड क्वालिटी दूंगा आउट ऑफ मैं बेस क्वालिटी दूंगा एट पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन और मैं कॉल क्वालिटी को भी दूंगा एट पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन दिस पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस नेक बैंड अप्रोक्सीमेटली ट्रिपल नाइन रुपीज जो इसका लॉन्च प्राइस है और डेफिनेटली मुझे लगता है थोड़ी दिनों बाद इसके प्राइसिंग थोड़ी बहुत बढ़ जाएंगे सो so, अगर आप एक नेक बैंड कंसिडर करना चाहते हैं यार इसकी जो क्वालिटी है बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया भले प्राइसिंग कम रखी गई है इसकी बिल्ड क्वालिटी और जो आउटपुट दिया गया ओवरऑल बिल्कुल जस्टिफाई करता है जस्टिफाई क्या मैं बोलूंगा थोड़ा बहुत प्राइसिंग बड़ा भी होता तो भी बिल्कुल जस्टिफाई करता क्वालिटी से और जो ओवरऑल ऑलपोट से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया बिल्कुल जस्टिफाइड यह नेक बैंड मुझे पर्सनली काफी हद तक तो बढ़िया लगे मेरे सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स दे दिए डिस्क्रिप्शन पार्ट में वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं अगर अभी भी कुछ दिक्कत हो आपको कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आई एल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज रेटिंग्स रेटिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली रीसेंच डीजो वायरलेस पार बैंड Hope you like this one. And as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So, thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.